एक्सरसाइज नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 2। 8x² = y², x² + 2y² = 19। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन दो इक्वेशन गिवन है ना, एक है 8x² = y², वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे है तो 8x² - y² = 0, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, x² + 2y² = 19, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, जो इक्वेशन 1 है जो वाई स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पर ले गए थे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसमें इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें तो 16x² - 2y² = 0, x² + 2y² = 19। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि x या y इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आए, उसको फिर इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ पे 16x² और x² ऐड होकर बना 17x², -2y² और +2y² कैंसिल हो गया, 0 में 19 ऐड किया तो आ गया 19। x² = 19/17, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा +-√19/17। x की दो वैल्यूज़ आई, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। व्हेन x इक्वल्स टू √19/17, इक्वेशन 1 इंप्लाइज a डॉट x की, x का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 19/17 -y² = 0, y² = 8.19/17, अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो y = ±√8 × 19/17, y = ±2√8 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है। पहले आप यहाँ पर ये नोट करें कि जब हम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है 152। अब 152 का अगर आप अंडर रूट लें तो आता है 2√38, तो 2 को हमने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया और साथ लिख लिया √38/17, तो हमारे पास आया √19/17 ±√38/17। इसी तरह when x = −√19/17, इक्वेशन 1 इंप्लाइज a.19/17 -y² = 0, y² इक्वल आ गया 8.19/17, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो y = ±√8 × 19/17, y = ±√38/17, विच इंप्लाइज जब हमने x पुट किया −√19/17 तो y क्या आया +-√38/17। हैंड सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू √19/17 +-√38/17, −√19/17 +-√38/17। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।